आराम से कर दीजिए दोनों साइड से। हाँ इसी दफा बेटे, हाँ दोनों साइड से आगे बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। ठीक, अब दोनों मिल बाट के एक लाइन ऊपर भी से नीचे गिराना करके प्रसाद लग खाओ। चलो जय लिंगेश्वरी माता। अरे चलो कहाँ हाथ दे रहा बढ़ जा रहा आप देख सकते हैं गाइस इतना क्राउड है पार्किंग में गाड़ियों का। इधर देखो बाइक पार्किंग में कितना क्राउड है देख सकते हैं गाइस, और कितने ही गए और आए हैं अभी। चिड़ी बाज रहे देख सकते हो, खतरनाक वाले। बस्तर वासी के बार बार नमस्कार, मैं उमेंद्र कुमार यादव, स्वागत है माता दंतेश्वरी के पावन धरा बस्तर का खूबसूरत जिला कोंडा गांव से। तो गाइस आज जा रहा हूं मैं आलोर लिंगेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये है गाइस फरसगांव कोंडा गांव से आएंगे गाइस आलोर जाने के लिए लेफ्ट साइड मिलेगा, और रायपुर से आएंगे तो गाइस राइट साइड मिलेगा। तो आइए और विजिट करिए आलोर लिंगेश्वरी माता। गाइस ये है एंट्री गेट फरसगांव से आलोर के लिए, आप आइए और विजिट करिए आलोर लिंगेश्वरी माता। तो चलिए जाते हैं आलोर। तो देख सकते हैं गाइस आलोर का रोड क्या शानदार मक्खन रोड है गाइस। जितने भी गाड़ी आ रहे हैं गाइस वहां से दर्शन करके आते हैं, और जितने भी आप देख रहे हैं सामने में जो जा रहे हैं बाइक वहीं पे जा रहे हैं लिंगेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं गाइस कितना शानदार व्यू, खूबसूरत नज़ारा। फाइनली पहुँच चुके हैं गाइस आलोर। यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में पानी लगा है स्टा पर, तो यहाँ पे VIP। तो फाइनली पहुँच चुके हैं गाइस आलोर लिंगेश्वरी माता का एंट्री गेट। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ से मैं जाऊँगा राइट साइड में, और सामने जाएंगे तो गाइस माँ दंतेश्वरी के मंदिर बड़े डूंगा। ठीक है गाइस मैं जा रहा हूँ लिंगेश्वरी माता के गेट एंट्री हो रहा हूँ। तो फाइनल देख सकते हैं गाइस मेरे सामने कितना क्राउड है, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो भाई कितना भीड़ है देख सकते हैं गाइस, यहाँ पार्किंग फोर व्हीलर का कितना भीड़ है गाइस। ऐसे लग रहा है कि आज बड़ा सा सिटी महानगर में आया हूँ ऐसे टाइप का लग रहा है। देखिए गाइस ओ भाई, आप देख सकते हैं शानदार नज़ारा। आप देख सकते हैं गाइस इधर लेफ्ट साइड में बाइक पार्किंग में कितना क्राउड है बाइकों का देखिए। ये तो है गाइस आज दिन का 3 बजे है गाइस, और इतना भीड़ है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओ भाई इतना लाइन लगा है गाइस दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भक्तगणों का। सब अपना पारी का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। गाइस ये है खीरा, इसी का प्रसाद लेना है।
ओ भाई कितना व्यू है गाइस लिंगेश्वरी गुफा के ऊपर से नज़ारा कुछ इस प्रकार है गाइस, देख सकते हैं पूरा व्यू झाटीवन आलोर जिला कोंडा गांव का। गाइस देख सकते हैं यहां पे श्रद्धालु लाइन पे लाइन लगे हैं, यही गुफा है गाइस, इस पत्थर के नीचे में गुफा है, तो ज़्यादा दिखा तो नहीं पाऊँगा गाइस, ये है साइड से दिखा रहा हूँ, आप आइए और विजिट करिए, आँखों देखा हाल, इधर भी दिखाऊँगा गाइस पीछे लाइन कितना लगा, ओ भाई कितना लाइन है, पूरा नज़ारा दिख रहा है गाइस झाटी वन का, पूरा लगता है कि पूरा झाटी वन पहुँचा है गाइस, आधा किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही लाइन लगा है और अपना अपना पारी का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस श्रद्धालु भक्तगण। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला में जंगलों के बीच एक ऐसा देवस्थान है जो साल में एक बार खुलता है, इस स्थान का विराजीय देवी के दर्शन के लिए देश भर के लोग पहुंचते हैं, वही मंदिर में उभरते जानवरों के पंजों के निशान से साल भर के लिए भविष्यवाणी की जाती है, स्थान के माता लिंगेश्वरी की गुफा जो कि कोंडागांव के फ्रसगांव में स्थित है, बुधवार को मंदिर को यहाँ मंदिर खोलता है जो कि अगले साल इसी समय खुलेगा। फरसगांव से बड़े डोंगर मार्ग स्थित आलोर के करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर झाटी वन की पहाड़ियों में माता लिंगेश्वरी गुफा है। माँ लिंगेश्वरी इसी साल 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को खुला गाइस, लिंगेश्वरी माई विराजमान है जहाँ हर वर्ष पूरे वर्ष पूरे देश के सभी राज्यों से हजारों की संख्या में भक्त मन्नत के लिए कामना दर्शन करने आते हैं, अधिकांश निसंतान दंपति संतान की प्राप्ति के लिए माता के दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु, और हर साल माता लिंगेश्वरी का पट खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए माता के दर्शन को पहुँचते हैं। हाँ वही अभी अलग ही करें देते अलग करें तो कुछ करें आराम से कर दीजिए। गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से खीरा को दो भाग में बांटते हैं और आपस में जोड़ा बढ़ाते जाते संतान दंपति जोड़ा दोनों टुकड़ा को एक भाग लेकर खाते हैं या सेवन करते हैं आस्था के रूप में और मनोकामना करके जाते हैं, तो अगले बार देखते हैं गाइस ये लोग का मनोकामना पूर्ण हो जाए और फिर से माँ दंपेश्वरी के दरबार पे आए, भगवान के नाम लो और जो भी मन्नत है वो पूरा हो जाए करके प्रसाद लखाओ। जय लिंगेश्वरी माता।
गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिंगेश्वरी माता के गुफाएं में श्रद्धालु कितने क्राउड है यहाँ पे। इस गुफा मंदिर का द्वार खुलने के बाद दर्शन और मन्नत के पहुँचे हजारों श्रद्धालु ने गुफा के बाहर से माता दर्शन किए। इसी दौरान मंदिर समिति जिला पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन स्काउट गाइड एनएसएस के टीम यहाँ पे गाइस अपने सेवा दे रहे हैं। टीम मंदिर तक पहुँचने में श्रद्धालुओं को मदद कर रही है। घना जंगल नक्सल प्रभावित इलाके होने के कारण जानकारी होने के बावजूद कई लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ओ भाई कितना क्राउड है। बुधवार को मंदिर समिति ने पुजारियों ने पूजा अर्चना करने के कुछ घंटों के लिए गुफा का द्वार खोला। अब यह मंदिर अगले साल इसी मुहूर्त में खुलेगा। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग कोंडागांव जिला केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरस गांव से कुछ ही दूर पर मतलब 6 किलोमीटर ब्लॉक के ग्राम छाटीवन आलोर के पहाड़ के बीच एक गुफा शिवलिंग के रूप में लिंगेश्वरी माई विराजमान है, जहां पर हर वर्ष पूरे देश के सभी राज्यों से हजारों की संख्या में भक्त मन्नत की कामना करने के लिए दर्शन करने आते हैं। अधिकांश निसंतान दंपति संतान की प्राप्ति के लिए माता के दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु को हर साल माता लिंगेश्वरी का पट खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए माता के दर्शन को पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद के रूप में नारियल खीरा चढ़ोतरी करते हैं गाइस श्रद्धालु। मन्नत की पट्टी बांधते हैं गाइस पेड़ पे भक्तगण। ये छोटी सी एक झलक दिखलाना चाह रहा हूँ आप लोग को। आप देखिए आइए अगले साल भद्र शुक्ल पक्ष के दिन और विजिट करिए लिंगेश्वरी माता का गुफा या लिंगेश्वरी माता का दरबार। गाइस से साइड से देख रहे हैं गाइस यहाँ पे मेन गेट नहीं है यहाँ पे। साइड से या रोशनदान से देख रहे हैं गाइस और अपना आस्था के रूप में पूछते हैं यहाँ पे लिंगेश्वरी माता को। यहाँ से गाइस प्रसाद वितरण हो रही है नारियल
खीरा, ओ भाई कई न्यूज़ चैनल वाले आए हैं गाइस, और बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी आए हैं, अपना सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं या कैप्चर कर रहे हैं यहाँ का सीन। आस्था के रूप में तिलक रोली चंदन लगाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, निसंतान दंपति इधर साइड में, लगता है गाइस ये विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल या मंदिर कह सकते हैं इसको, लिंगेश्वरी माता का गुफा, लिंगेश्वरी गुफा। यहाँ पे गाइस खीरा खाने से संतान प्राप्त होता है। पुजारी लोग बैठे हैं और अपना आस्था के रूप में तिलक चंदन प्रसाद जो भी वितरण करते हैं गाइस समिति के लोग। ओ भाई कितना भीड़ खचाखच चिलचिलाती धूप में खड़े हैं गाइस, अभी दिन का 3 बजे है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अपना अपना इंतज़ार का, बेसब्री से इंतज़ार दर्शन करने का। देख सकते हैं पीछे में कितना लाइन लगा है गाइस, पूरा मंदिर से लेके पूरा मार्केट एरिया तक खचाखच। छोटे छोटे कदमों से गुफा की ओर अग्रसर बढ़ते हुए श्रद्धालु लिंगेश्वरी माई दरबार आपको हार्दिक स्वागत करती है। कोंडागांव जिला का खूबसूरत नज़ारा, ग्राम आलूर झाटीवन लिंगेश्वरी माई के दरबार। स्काउट गाइड, NSS, पुलिस प्रशासन, सभी टीम यहाँ उपलब्ध है गाइस सुचारू रूप से दर्शन कराने के लिए, अपने सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे गाइस देखिए नेता, राजनेता
अपना एक्सपीरियंस बांट रहे हैं गाइस। देखिए खीर पूड़ी, देखिए गाइस हमारे माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र केशकाल के विधायक खीर पूड़ी बांट रहे हैं गाइस। यहाँ खिचड़ी देख सकते हैं, यहाँ पे माननीय संत नेताम जी गाइस यहाँ देख सकते हैं हस्त बांस शिल्प कला कैसे सजा के लाए हैं गाइस। ये हैं गाइस हस्तशिल्प नारायणपुर से, तो गाइस यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं गाइस, देख सकते हैं एक से बढ़कर एक झूमर आपके घरों में ले जा कर के सजा सकते हैं गाइस इसको। ये जितने भी दिख रहे हैं गाइस ये सभी बांस का है, हस्तशिल्प बांस। ये गाइस लौकी का है, क्या शानदार से बना के रखे हैं गाइस कला। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।